नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। BTSC जूनियर इंजीनियर की बहाली, जो 6400 के लगभग विज्ञापन निकाला गया था और उसके बाद ये काउंसलिंग करा ली गई, फाइनल रिजल्ट आ गया और फाइनल रिजल्ट आने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने रिजल्ट को रद्द कर दिया था। इस मुद्दे को विधायक संदीप सौरभ, जो नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। लगातार छात्रों की, युवाओं की आवाज बनते रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर आवाज लगाते रहे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने निवेदन करते हुए इस मुद्दे को एक बार बिहार विधानसभा में उठाते हुए क्या कुछ उन्होंने इस मुद्दे में, जो एक चिट्ठी है उसके ज़रिए क्या उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि साफ तौर से सचिव बिहार विधानसभा, मैं लोकहित के निम्नांकित विषय पर सदन में निवेदन प्रस्तुत करने की इच्छा को की सूचना देता हूँ। निवेदन है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर की बहाली विज्ञापन संख्या 1/2019 पिछले 3 वर्षों से लंबित है। इस क्रम में 3 अप्रैल 2022 को इसका परिणाम घोषित किया गया था, परंतु मात्र 2 दिनों के बाद ही किसी कारणवश परिणाम को वेबसाइट से यह कहते हुए हटा दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो परिणाम संबोधित करते हुए दोबारा प्रकाशित किया जाएगा। परंतु लगभग 3 महीना गुजर जाने के बावजूद भी आयोग द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर में चयनित 6400 अभ्यर्थी तथा उनके परिवार को अनिश्चितता और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अतः उक्त बहाली में संशोधित परिणाम निकालकर चयनित छात्रों के लिए तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सरकार से निवेदन के माध्यम से मांग करता हूं। तो संदीप सौरभ ने इस तरह से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस बहाली के लिए फिर से रिजल्ट निकाला जाए और ये जो संशोधन करना है, जो भी करना है, जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि 3 महीने से ये मामला पहले ही से, 3 साल से ये बहाली आई हुई है। 2019 में विज्ञापन आया था। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। 2019 के बाद 2021 के जनवरी में काउंसलिंग कराई गई और अप्रैल के महीने 2022 में रिजल्ट दिया गया, मगर रिजल्ट को फिर रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से विधायक संदीप सौरभ ने BTSC द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की बहाली की प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बिहार विधान सभा में चिट्ठी लिखी है और उसके ज़रिए से निवेदन किया है कि इस प्रक्रिया को सरकार जल्द से जल्द पूरी करे, ताकि जो अभ्यर्थी इसके इंतज़ार में हैं उनकी का इंतज़ार जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।